Jungle. नमस्कार दोस्तों, इटर्निटी ऑफ गेम्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ सागनिक और एक नया वीडियो पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की जो वीडियो है वो दो न्यूज़ के ऊपर आधारित है। मैं पहले बता देता हूं, एक है गूगल होम जो अभी फ्लिपकार्ट पे लॉन्च होने वाला है। आप लोग सभी शायद जानते होंगे कि गूगल होम क्या है, फिर भी मैं आपको बता दूँ कि गूगल होम एक AI बेस्ड मतलब टेक्नोलॉजी है, जैसे कि अमेजन इको होता है या फिर कोई भी होता है, या फिर आप अगर आपके फ़ोन में जो गूगल ओके गूगल करके जो एप्लीकेशन रन करते हैं वो जो है, तो यहाँ पर एक फंक्शनल एप्लीकेशन आपको मिलेगा, मतलब डिवाइस आपको मिलेगा जो आपकी फ़ोन से भी ज़्यादा काम कर पाएगा। तो कैसे आप न्यूज़ अपडेट कर सकते हैं, कोई भी टू डू लिस्ट जो हम बनाते हैं वो भी बना सकते हैं और बहुत सारे चीज़ें आप कर सकते हैं। तो बहुत सारी मतलब अलग अलग वेरिएशन है इसका, कोई बड़ा है कोई छोटा है, मतलब अलग अलग थोड़ा थोड़ा फीचर्स है, किसी के साउंड ज़्यादा है तो किसी का कम है, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात कीजिए तो ओवरऑल सेम ही है। तो आज 2 बजे के वक्त फ्लिपकार्ट पे ये चीज़ लॉन्च होगा। आपको मैं इमेज यहाँ पर गूगल इमेज से दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह आपको गूगल का जो होम का जो ये प्रोडक्ट है आपको दिखेगा। आप लोग देख सकते हैं इसी तरह होगा। अगर आप ओके गूगल बोलेंगे तो ऊपर की तरफ जो तीन आप लाइट देख रहे हैं तो वहाँ पर तीनों लाइट ऑन होगा, तो आपको आप उसके बाद अपना काम करवा सकते हैं AI से। और हमारा जो दूसरा खबर आ रहा है वो है NDTV की तरफ से, गैजेट NDTV आप सभी जानते होंगे, तो उनकी तरफ से ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है मैं बोलूँगा। तो हर वो यूज़र्स के लिए जो फ़ोन में गेम खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, मैंने पहले ही भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है कि Xiaomi अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जो कि 8GB रैम के साथ आएगा, 845 स्नैपड्रैगन का SoC का प्रोसेसर उसमें रहेगा। तो एक रेजर जो फ़ोन था, रेजर फ़ोन मैं अपने चैनल पर भी एक वीडियो बनाया, तो रेजर फ़ोन के ऊपर, रेजर फ़ोन एक गेमिंग डिवाइस है और Xiaomi का जो ब्लैक शार्क जो फ़ोन है वो भी एक गेमिंग डिवाइस ही है। तो मैं अभी उसका लीक इमेज आपको दिखाऊंगा कि जो इमेज अभी लीक हुआ है वो उठ के हमारे सामने आए हैं, तो मैं अभी अब इसको बड़ा करके मैं दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इमेज किस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए इमेज यहाँ पर आपको एक हार्ड केस की तरफ दिख रहा है, मुझे तो ऐसा कोई रगेट फ़ोन की तरफ लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप नीचे कॉमेंट करके मुझे बोल सकते हैं। ये फ़ोन पूरी तरह से गेमर्स के लिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरह से एक ग्रिप दिया गया है, जैसे ग्रिप करने के लिए कैमरे पर अगर उंगली ना आ जाए। फ़ोन का डिज़ाइन ही ऐसा बना हुआ है कि गेमर्स को ग्रिप करने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, तो गेम खेलने में बहुत ज़्यादा मददगार होगा। एंड्रॉयड गेम से धीरे धीरे मार्केट पर छा रहा है और बड़ा भी हो रहा है, तो उसके लिए मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि ये फ़ोन बहुत ही अच्छा फ़ोन होगा, 8GB रैम के साथ आएगा। इसमें OLED डिस्प्ले भी आपको मिलेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर तो हर एक फ़ोन में अभी मिलता है, तो अभी उम्मीद करते हैं कि आपको फेस रिकॉग्निशन का टेक्नोलॉजी भी मिल जाए जो अभी Xiaomi ने हाल फिलहाल में देना शुरू कर दिया। तो इसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन की बात की जाए, तो स्पेसिफिकेशन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले स्पेसिफिकेशन जो होता है जो फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको मिलेगा, 18:9 एस्पेक्ट रेशियो जो कि अभी ट्रेंड चल रहा है, 32GB इंटरनल स्टोरेज। मुझे ऐसा लगता है कि 32GB से आप ज़्यादा तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 32GB, 64 और 128GB लॉन्च होने वाला है, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। तो मैं इसका और मैं इस आर्टिकल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।